कहाँ जाना? अभी मुझे कह रही थी कि तू ही आ जा। अभी कह रही थी कि आप भी आ जाओ और शर्मा गई। आप भी आ जाओ मम्मा जी, आप भी आ जाओ। तो अभी ये देखें, उसे पता है कि मेरी तरफ कैमरा हुआ है, तो इधर मेरी तरफ आ गई है चुपके ही आके। ये देखो आप सामने हो ना, सामने हो आप। जोया तो देखो तो बाय बाय करो जोया को, तो जल्दी है, मैं ना जल्दी जल्दी से जो है ना जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अब्दुल्ला हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ ठीक है मैम। ठीक है मैम, कह दे जो मम्मा दे, जो याद है तो मम्मा दे। हाँ। नहीं होना क्यों नहीं है? अब्दुल्ला के भी लगाना है टीका, लगाएंगे। अब्दुल्ला शरारती हो गया। मैं क्या करूँ? जोया कहाँ जा रही हो? जोया किधर जा रहे हो? जोया किधर जा रहे हैं? चलो चले चलो चले चले चले। जोया को पता है वीडियो बन रही है, ऐसे छुप के जाती है। तो हम कहाँ जा रहे हैं बताओ जी सबको, कि हम कहाँ जा रहे हैं? बच्चों सही तरह बताओ कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? टीका मम्मा मारे खराब है, तो मैंने कहा कि चेकअप करवा लेते हैं। तो बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा से आती है, तो ये दोनों तैयार हो गए हैं साथ। ये भी कह रहे हैं हमने भी साथ जाना है, तो हमने कहा कि जी ये तो रहेंगे नहीं घर, तो साथ ही जाना है। तो अब्दुल्ला से अब्दुल्ला को सुबह चलो फिर। हम जा रहे हैं जी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ज़रा थोड़ा सा काम है तो वो भी करके आते हैं और आपको बताते हैं कि हमें क्या काम है हॉस्पिटल। तो बेगम साहब को पता है लेकिन अभी बताना नहीं, आप सबके लिए सरप्राइज़ है, तो इंतज़ार कीजिए हमारे सरप्राइज़ का। तो जी चलते हैं। जय बहुत खुश है कि मैंने बाहर जाना है। तो चलो चलो अब्दुल्ला चलो चले जी। चलो तो जी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, तैयारी हमारी हो गई है फाइनल। तो जी अब चलते हैं, बच्चे मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ गए हैं। अभी जो है ना बहुत अंधेरा हो गया है ना अब्दुल्ला। तो जी चलते हैं। तो जी हॉस्पिटल हम पहुंच गए हैं और देखते हैं डॉक्टर साहब है या नहीं है। हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, अभी डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, डॉक्टर अभी आई नहीं है। तो फ़ोन किया है, कॉल किया है, अभी कहते हैं कि थोड़ी देर में आएंगे। अब देखते हैं कि जी कब आती है, वो अभी वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, खासकर जोया जो है ना बहुत शरारती कर रही है। डॉक्टर साहबा आ गई हैं और बेगम साहबा भी चली गई हैं चेकअप करवाने। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने हमारी जो वीडियो जो हमने कल अपलोड की थी, तो उसमें आप सब ने कहा है कि उनकी वीडियो बनाई जाए, हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह जल्द ही उनकी वीडियो बनाएंगे हम, तो वो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो है तकरीबन 8:30 का टाइम है, बेगम साहबा को गए हुए तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है, तो अभी तक जो है बाहर नहीं आई हैं। वो आ गई हैं बेगम साहबा, अब देखते हैं कि क्या कहा है डॉक्टर साहबा ने। चलिए चलिए चलते हैं बाहर। हम आ गए हैं हॉस्पिटल से वापस और बेगम साहबा जो हैं रोटियां पका रही हैं, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है, उधर भी काफ़ी टाइम लग गया तो लेट हो गए। तकरीबन 9 तो तकरीबन 9 का टाइम जी। हम हॉस्पिटल से आ गए हैं और डॉक्टर ने कहा कि जी जाके रोटियां बनाओ और खाओ मज़े मज़े से, क्योंकि भूख लगी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप जाके जो है रोटियां बना के खाएं और ख़ुद भी खाएं और बाकी सब को भी खिलाएं। आप जो है बिल्कुल ठीक है, थोड़ी बहुत दर्द तो होती रहती है, तबीयत वैसे ख़राब हो जाती है। तो बीपी 2 था, उन्होंने कहा है कि मेडिसिन वगैरह दवाइयाँ वगैरह लिख के दे दी हैं। ये मेडिसिन लेने गए हैं, वैसे आपस की बात लेने है, में मेडिसिन गया था। रोटी बना रही हूँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है साथ। तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो अंडा अंडा बड़ा है, अंडे से मैं खा लूंगा। घर पे प्याज भी नहीं थे, प्याज खत्म हो गए थे, प्याज खत्म हो गए, मैं सब्जी में। तो ये पर्चा दिया है डॉक्टर साहबा ने, इतना बड़ा। तो इसके ऊपर कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं, ये टेस्ट लिखे हुए हैं, ये वाले टेस्ट कराएंगे और दवाइयाँ लिख के दी हैं।
बस उन्होंने कहा कि जी ना अपने हस्बैंड का ना काफ़ी ज़्यादा खर्चा करवाओ, थोड़े दिन जो है मज़े मज़े से खाओ पियो मज़े मारो। खाने पीने की टेंशन तो मैं पहले भी नहीं लेता था और अब भी इंशाल्लाह नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह देने वाला है। अल्लाह का शुक्र है कि गुजारा हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, इस चीज़ की टेंशन नहीं है कभी। तो जिस सुबह इंशाल्लाह इनके लिए दवाई वगैरह लेके आएंगे। अभी जो है काफ़ी टाइम हो गया था, मैं गया था बाज़ार तो बच्चों के लिए कुछ फ्रूट लाया, कुछ इनके लिए लेके आया, तो दवाई जो है दवाई नहीं लाया। तो इस सुबह इंशाल्लाह लाएंगे, इनके टेस्ट भी करवाएंगे। अभी रोटियां बन गई हैं, खाने की भी टेंशन है कि खाएं किसके साथ। तो आज सूखी रोटी इनको खिलाऊंगी मैं, क्योंकि हम हॉस्पिटल गए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो सालन तो बनाना था लेकिन प्याज भी नहीं थे घर पे। वैसे हैरत की बात है, डॉक्टर साहब ने कुछ भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया पता नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी वैसे कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। वैसे पेन होती है और उनके थोड़ी बहुत ही ना दर्द होती है, तो बस कुछ बताया नहीं अभी तक ना, तो बस बीपी लो होता है। हमने भी नहीं पूछा कुछ, क्योंकि मैं तो गया नहीं था, यही गई थी तो पूछने कहा कि इनका बनता है, तो इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने कुछ बताया नहीं, मैंने कुछ पूछा नहीं। तो जी चलते हैं जी, रोटी खाते हैं। अभी जो है सालन नहीं है तो अंडा बना ले। अंडा बना देती हूँ। हाँ जी, तो अंडा बना के अंडे के साथ रोटी खा लेते हैं। शायद अचार के साथ खा लूँगा, तो इनके लिए अंडा बना दें, हम अचार के साथ खा लेंगे। थोड़ा सा सालन भी पड़ा है आलू मूंगरी का। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी जो हम करने लगे हैं, रोटी खाने लगे हैं, रात की टाइम काफ़ी हो गया। क्या आप क्या कहने लगे थे कि नाश्ता करने लगे? मैं कहने लगा था नाश्ता करने, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो गया, तो भूख बहुत लगी हुई है, पता नहीं चल रहा कि बोलना क्या है। तो चलें फिर खाएं रोटी, तो बाय बाय कर दें फिर इधर। चलो जी, अल्लाह हाफिज़। कुछ कहना था? बहुत सारा ख्याल रखिए। कुछ कहना जी, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो कि हमने वीडियो बनाई थी जुम्मे वाले दिन, तो कुछ भाइयों ने कहा कि जी उनके घर जाके वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। तो आप ज़रूर देखना उनके घर के हालात, कि उनके घर के हालात कैसे हैं वो आपको खुद बताएंगे, तो उनके हालात देख कर आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इनकी मदद करनी चाहिए कि नहीं। बाय बाय कर दो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो यहीं तक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।